Dear students, in this video we will discuss the 10th stanza of the poem We Are Seven. In this stanza, the girl, that little cottage girl, is again trying to convince the poet that she still has seven siblings, though two of her siblings are dead. इस कविता में, इस स्टैंजा में ये छोटी बच्ची जो कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनको समझाने का प्रयत्न कर रही है कि अभी भी वो सात भाई बहन ही हैं. और कैसे हैं ये इस स्टैंजा में वो आगे कहती है, हम देखते हैं. Their graves are green, they may be seen, the little maid replied. 12 steps or more from my mother's door and they are side by side. ये छोटी बच्ची की स्पीच है और ये कह रही है Their graves are green. Their graves, उनकी जो कब्र है, graves, कब्र जो है वो अब green है, यानी उस पर जो है घास उग गई है. इट इज दैट इज वाई द ग्रेव्स आर सीमिंग ग्रीन, इसलिए वो हरी दिखाई दे रही हैं. देयर मे बी सीन, दे आर विजिबल ईजिली, द लिटिल गर्ल इज सीइंग. देखिए उनकी जो कब्रें हैं वो यहीं तो हैं पास में. दे मे बी सीन फ्रॉम हियर, वो यहाँ से दिखती हैं. और वो मेरे कितने नज़दीक है, आगे लाइन्स में कहती हैं 12 steps or more from my mother's door, मेरे the cottage in which I live with my mother, वहाँ से सिर्फ 12 steps हैं, सिर्फ 12 कदम दूरी पर वो graves हैं. and they are side by side and they are lying there, my brother and sister are lying buried side by side, वो एक दूसरे के आसपास ही उनको दफन किया गया है, वो वहाँ पर लेते हैं. दे आर क्वाइट क्लोज टू माई प्लेस, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से सिर्फ, दे आर ओनली 12 स्टेप्स अवे फ्रॉम माई डोर, सो दे आर क्वाइट क्लोज टू मी. हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट आई शुड नॉट इंक्लूड देम विद मी, मुझे उनको अपने में क्यों शामिल नहीं करना चाहिए. द गर्ल इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इस कविता में बेटा हम देखते हैं कि अब इस स्टैंजा में और इसके आगे जो कुछ स्टैंजास हैं, इसमें द पोएम इज़ रीचिंग टू इट्स कंक्लूजन, जो कवि कहना चाहता है. द पोएट वांट्स टू एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ डेथ और द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मृत्यु के बारे में उसके एक तरह से जो विचार हैं और जीवन के साथ जो मृत्यु का संबंध है, हमारे जो लव्ड वंस हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशन हैं, द पोएट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स इन दिस पोएम. सो दिस पोएम हैज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, बट इट्स एट द सेम टाइम इट कैरीज अ डीप मीनिंग ऑफ लाइफ. सो वी विल कंटिन्यू दिस पोएम इन द नेक्स्ट स्टैंजा. Thank you.